बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम चैप्टर 11 क्वेश्चन 7। रिक्वायरमेंट है प्रिपेयर द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द बिजनेस फॉर द ईयर एंडिंग 31st December 2017 एंड अ बैलेंस शीट एज एट दैट डेट। सबसे पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। आप पहले तीन लाइनें कंप्लीट कर लें। सबसे ऊपर लिखें मुख्तार ट्रेडिंग कंपनी, फिर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और नीचे फॉर द ईयर एंडेड 31st December 2017 ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जी स्टार्ट करते हैं। जगह नीचे हमारे पास शॉर्ट है, इस वजह से ये आप ख़ुद ही लिख लें। तीन लाइनें जो है ना, नेम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st December 2017। सबसे पहले आएगा ओपनिंग स्टॉक, थर्टी थाउजेंड। उसके बाद है जी परचेजेस एंड सेल्स, ये दोनों इकट्ठी दी हैं। अब आप जानते हैं कि डेबिट साइड पे जो होते हैं ये एक्सपेंस होता है और क्रेडिट पे इनकम, तो जो सेल्स की फिगर है ये क्रेडिट में आ रही है और परचेजेस की जो है डेबिट में है। तो आप लिखें इधर परचेजेस 120,000। रिटर्न चेक कर लें, रिटर्न इस सवाल में नहीं है तो आप डायरेक्ट बाहर वाले कॉलम में लिख रहे हैं। इसके बाद आगे है वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस। वेजेस जो है ये 18750, लेकिन नीचे देखें आउटस्टैंडिंग वेजेस, एडजस्टमेंट में वेजेस आ रही है तो फिर आप इसको अंदर वाले कॉलम में लिखें 18750, इसमें फिर ऐड कर दें आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग जमा होती है प्रीपेड माइनस, ये जहन में रखें, आसान तरीका। ये 1500 20,250। इसी तरह एक और ख़र्चा जो है ये नीचे नज़र आ रहा है कैरिज इनवर्ड, इसको इधर लिख दें कैरिज इनवर्ड 975। अब इस साइड पे आ जाए सेल्स, सेल्स है 3 लाख, क्लोजिंग स्टॉक ये दिया एडजस्टमेंट में 45,000, ये लीजिए। इसका टोटल कर लें, ये हो गया 3,45,000। यही साइड ज़्यादा है, यही टोटल इधर लिख दें। अब इसमें से ये सारे माइनस कर दें 45,000 माइनस 30,000 माइनस 120 या 173,775। आपका जो आंसर है ये भी यही आ रहा है, इनकम ज़्यादा है खर्चे कम है, तो ये आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। इसको इधर ले आएंगे ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन 173,775। अब बाकी जो एक्सपेंसेस हैं उनको लिख दें। सबसे पहले है सैलरीज, वेजेस से ऊपर नज़र आ रहा है सैलरीज, एडजस्टमेंट पे नज़र रखिएगा कि कोई चीज़ छूटे नहीं वरना कटिंग करना पड़ेगी 15,000 सैलरीज। इसके बाद है कैरिज आउटवर्ड, कैरिज आउटवर्ड 11,125। आगे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 1200।
आगे हैं जी बैड डेट्स। बैड डेट्स जो हैं इसको हम इधर वर्किंग दिखा देते हैं। सबसे पहले आएंगे बैड डेट्स, फिर इसमें ऐड करेंगे एडिशनल। ये आपने इधर बनाना है लेकिन ये जगह कम है, फिर सवाल शॉर्ट हो जाएगा, इसलिए इधर मैं ये आपको दिखाता हूँ करके। एडिशनल बैड डेट्स प्लस न्यू प्रोविजन माइनस ओल्ड प्रोविजन, ये आपका 92 का फार्मूला हो गया। बैड डेट्स जो है क्वेश्चन में है 1500 ट्रायल बैलेंस वाले, एडिशनल एडजस्टमेंट में होते हैं, नहीं दिए हुए छोड़ दें। आगे आपके हैं बैड डेट्स प्रोविजन टू बी एडजस्टेड टू 2% ऑन सन्डरी डेटर्स, तो आपके जो डेटर्स हैं ये 90,000 है, इसका आप अगर 2% लेंगे 1800। अब इसमें देखें कि ओल्ड भी हैं, ये प्रोविजन ओल्ड आ रही है 675, तो ये इसको सॉल्व कर लें। 1500 प्लस 1800 माइनस 675, ये आपका आ जाएगा 2625। इसको आप इधर लिख देंगे बाहर वाले कॉलम में 2625 बैड डेट्स। यानी ये वाली जो चीज़ है इधर लिखनी है, लेकिन जगह इसकी वजह से मैंने आपको समझा दिया इधर। इस तरीके से ये जो आंसर आएगा 2625 ये बाहर वाले कॉलम में लिखा जाएगा। आगे ट्रेड एक्सपेंसेस, ट्रेड एक्सपेंसेस हैं 2250। इसके बाद इंश्योरेंस आ रही है, इंश्योरेंस इंश्योरेंस है 1500, लेकिन इसकी एडजस्टमेंट है नीचे लिखा है प्री पेड, तो आउटस्टैंडिंग जमा प्री पेड माइनस, इसको माइनस कर दें, ये आ जाएगा 900। अब आप देखें कि कौन सी चीज़ रहेगी आपकी एडजस्टमेंट में। आउटस्टैंडिंग वेजेस जो है ये भी हो गया, इंश्योरेंस भी हो गया, डेप्रिसिएशन रहता है, डेप्रिसिएशन 5% ऑन मशीनरी। मशीनरी आपकी है ये 105,000, ये मशीन की कॉस्ट आपके ट्रायल में दी है, इसके ऊपर आपने 5% लेनी है डेप्रिसिएशन, तो ये आ जाएगा, ये 20 गए, ये आ गया 5250। चेक कर लेते हैं, 105,000 मल्टीप्लाइड बाई 5250, तो आप इधर लिख देंगे डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। ये भी हो गया। आगे है क्रिएट प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, ये आपको पिछले लेक्चर में समझा चुके हैं कि क्रेडिटर्स की प्रोविजन को कैसे हैंडल करना है। आप ऐसा करें, ये क्रेडिटर्स हैं आपके 19,500, इसका आप क्या करें 3% ले लें, 3% उसने कहा है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, तो 19,500 मल्टीप्लाइड बाय 3/3, ये आ जाएगा 585। आप इधर लिख दें, ये इनकम है हमारी प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, और ये इधर दिखा भी दें ऐसे 19,500 मल्टीप्लाइड बाय 3/100 585। आगे चलते हैं, ये भी हो गया, बैड डेट्स भी हो गया। एक चीज़ है ये 6, अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आप अपना कैपिटल देखें कितना है, ये आपके ट्रायल में दिया हुआ है 15,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये है 1,50,000। अब आप क्या करें, उसने लिखा है कि इसके ऊपर 5% होगी इंटरेस्ट, ये 5%, तो ये आ गया जी 150,000 मल्टीप्लाइड बाई 5/100,
ये 7500 आ गया। यह आपने कोई इंटरेस्ट जो है ये आपने ओनर को देनी है, उसके कैपिटल में ऐड कर देनी। तो ये भी आपका बिजनेस का एक्सपेंस है, ये 585 इधर लिखें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। दो तरीके हैं, एक तरीका ये है कि आप इधर ही कैलकुलेशन कर दिया करें, दूसरा तरीका ये है कि आप साइड पे नीचे वर्किंग करके इसको ऐसे N1 N2 जो जो वर्किंग करें सबको देकर इधर नंबरिंग और इधर लिख दिया करें N1 N2 जिसकी भी वर्किंग हो और ये जो नंबर हो उसके सामने लिख दें। इस तरह आपको ज़्यादा अच्छे नंबर मिल जाएंगे। ले अब तमाम जो है एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गई, अब हम इसका टोटल करते हैं। ये आ गया जी 173775 प्लस 585, ये आ गया 174360, इसमें से ये माइनस कर दें। ये आंसर आ रहा है 138510, 138510 ये है नेट प्रॉफिट, ये आपका ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन गया। अब हम चलेंगे बैलेंस शीट की तरफ। अभी आपने क्या करना है कि उसी तरह तीन लाइनें पहले कंप्लीट करें, और इधर आपने लिखना है एज एट 31 दिसंबर 2017। जी सबसे पहले हम लिखेंगे करंट एसेट्स, इसमें सबसे पहले सन्ड्री डेटर्स, ये जो दिया ये है 90,000, इसमें से लेस कर दें प्रोविजन, ये जो नीचे है बैड डेट्स प्रोविजन टू बी एडजस्टेड टू 2%, ये हमने ली थी तो ये आंसर आया था 1590,000 मल्टीप्लाइड बाय 2%, ये 1800 आया था, सॉरी 1800 न्यू प्रोविजन 2% जो है ये 1800, इसको माइनस कर दें 90,000 माइनस 1800 या जाएगा 88,200, ये सन्डे डेटर्स हो गए। इसके बाद है आपके बिल्स रिसीवेबल, ये भी करंट एसेट्स हैं, बिल्स रिसीवेबल 6,000, इसके बाद क्लोजिंग स्टॉक है नीचे एडजस्टमेंट वाला उसको लिख लें 45,000। इसी तरह प्रीपेड इंश्योरेंस जो है एडवांस में, ये आपका एसेट होती है, ये भी लिख दें प्रीपेड इंश्योरेंस 600, अभी ये देखें कैश एट बैंक, ये आपका करंट एसेट, इसी के नीचे है कैश इन हैंड, ये भी करंट एसेट, कैश एट बैंक है 9,000 और कैश इन हैंड 750,
ये लें, ये आपकी तमाम चीज़ें कंप्लीट हो गई। अब आप दूसरी साइड पे आ जाएं, सॉरी ये आपके करंट एसेट कंप्लीट हुए, अभी फिक्स्ड रहते हैं, फिक्स्ड एसेट्स। इसमें मशीनरी दी हुई है आपके, प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी ये है 105,000, लेस इसमें 5% डेप्रिसिएशन है, इसको बल्कि लिखेंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 105,000 मल्टीप्लाइड बाय 5, ये थी 5,250, इसमें से माइनस करें, डबल 9,750। इसी के नीचे एक और है फ्री होल्ड प्रीमिसेस, फ्री होल्ड प्रीमिसेस, फ्री होल्ड प्रीमिसेस से मुराद यह है कि ये कंपनी की अपनी बिल्डिंग है, लीज होल्ड प्रीमिसेस से मुराद है कंपनी ने लीज पे ली हुई। ये है जी आपके 72,000, चलें अब हम दूसरी साइड पे आते हैं, इधर हम लिखते हैं करंट लाइबिलिटीज, इसमें सबसे पहले आएगा सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर जो हैं ये आपके 19,500 हैं, और इसके ऊपर आपने प्रोविजन ली थी, लेस प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, ये 2% 3%, 19,500 मल्टीप्लाइड बाई 3/100, ये आगे थी 585, इसको माइनस कर दें, 18,915, इसके बाद एडजस्टमेंट में देखें यहाँ पे आ रहा है आउटस्टैंडिंग वेजेस, ये हमारी लाइबिलिटी है, इधर लिख दें आउटस्टैंडिंग वेजेस 1,500, जी। अब ये एक और है ये नीचे बिल्स पेबल, बिल्स पेबल ये 4,875, अब हम लिखेंगे फिक्स्ड लाइबिलिटीज, फिक्स्ड लाइबिलिटीज, इसमें सबसे पहले लिखें कैपिटल, कैपिटल आपका है जी 150,000, इसमें कुछ ड्राइंग्स देख लें, अगर आ रही है तो ड्राइंग्स नहीं है, अब इसमें क्या करें, एक तो प्रॉफिट जमा करें, प्रॉफिट, प्रॉफिट था हमारा 138,510, 138,510, और इसके अलावा हमने इसको इंटरेस्ट पे की, इंटरेस्ट देनी है, तो वो हम इसके कैपिटल में जमा करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये आई थी 7,500, ये आपके फिक्स हो गए। अब आप इसका टोटल चेक कर लें, टू 9,6,010, अब इनका टोटल कर लें दोनों साइडों का, देखें बराबर आता है या नहीं, प्लस 4,875 प्लस 1,500 प्लस 18,915, ये जो लाइबिलिटी साइड का टोटल है ये आ गया 3,21,300, और ये आपके बुक से जो टोटल है मैच कर गया, इसको हम लिखेंगे टोटल लाइबिलिटीज, इस साइड पे आ जाए 8,200 प्लस
3210, ये साइड भी आपकी मैच कर गई। इसको लिखते हैं टोटल एसेट्स। ये आपका सवाल कंप्लीट हो गया। कोई चीज़ अगर आपको नहीं समझ आई तो कमेंट्स के ज़रिए पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।